नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के दहेज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन दहेज में हो चुका है। ONGC के पेट्रो एडिशंस लिमिटेड यानी कि ओपल के मेगा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो कि दहेज में है, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ONGC के इस पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो 508 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये गुजरात का दौरा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। कुल मिलाकर जो फोकस है इस यात्रा का, जो 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ नितिन गडकरी जी जो कि रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपल की CPR यूनिट में पहुंच चुके हैं और इस यूनिट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से पेट्रोकेमिकल का जो तमाम जो काम होता है, चाहे वो पॉलीमर्स का निर्माण हो चाहे फिर पेट्रोकेमिकल्स का निर्माण हो, वो किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से ही तकनीक, किस तरह से टेक्नोलॉजी चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहेज में यहाँ पहुँच चुके हैं और ओपल जो कि सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है भारत का, ओपल की अगर बात की जाए तो पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर्स क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी इस ओपल के प्लांट के बाद में। पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है इसमें हम लोग नाफ्ता और हायर फ्रैक्शन ऑफ गैस के जो होते हैं इथेन प्रोपेन, उनको हम एज फीडस्टॉक यूज़ करते हैं और ये जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं उसमें इनपुट्स के हिसाब से काम करते हैं। और सर, इसकी जो डाउनस्ट्रीम है वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, तो यहाँ बहुत सारा रोजगार का भी सृजन होता है, प्लस मूल्य संवर्धन की जो संभावना इसमें है सर वो असीमित है। नेक्स्ट सर, इंडियन सिनारियो की अगर हम बात करें सर, तो ऑलमोस्ट 30% जो हमारी पॉलीमर की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग आयात करते हैं। इसके साथ सर अगर हम बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है पर ईयर वो 10 किलोग्राम है, जबकि विश्व की जो एवरेज है वो 32 किलो है। सर, हमारे यहाँ भारत में जो मध्यम वर्ग की साइज़ बढ़ रही है, इसके अलावा जो हायर डिस्पोजेबल इनकम है और शहरीकरण, ये हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, इससे हमारा पॉलीमर मार्केट को एक गति मिलती है। सर सर, हाइड्रोकार्बन चेन में एनर्जी में जो है वैल्यू एडिशन कम होता है सर, पर उसके जो नाफ्था या C2C3 की बात करें तो पॉलीमर्स में जब हम जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में जाते हैं, तो वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा होता है, मूल्य संवर्धन होता है सर, और इसका जो डाउनस्ट्रीम है वहाँ रोजगार की तकों का भी सर्जन होता है। सर, जैसे कि हमने देखा कि हम 30% पॉलीमर आयात करते हैं, तो इस प्लांट के आने के बाद वो आयात भी कम होगा और फॉरेन एक्सचेंज में सर काफ़ी सेविंग्स होगी। सर, ओपाल जो है ONGC, गेल और GSPC की एक संयुक्त उपक्रम है और ये 15 नवंबर 2006 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। सर, इसके सारे यूनिट्स जो हैं, सारे यूनिट्स अभी तक कमीशन हो चुके हैं सर, और जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में गया है सर, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मार्केट में मिला है। सर, हमारा जो विज़न है वो है वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कंपनी बनने का, और वैल्यू और क्वालिटी इन दो में जो हमारे ग्राहक है उनकी प्रिफर्ड चॉइस बनने का। सर, दहेज का जो लोकेशन है ये बहुत ही एडवांटेजियस है, क्योंकि इसके 200 किलोमीटर दोनों तरफ ऊपर नीचे हम देखें तो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, और इसकी जो डाउनस्ट्रीम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा साउथ गुजरात और भरूच और अहमदाबाद में है। प्लस सर, इसके लोकेशन के चलते यहाँ पे जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ के प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे तब एक डाउनस्ट्रीम में एक क्रांति जैसा एक वातावरण बनेगा। सर, नेक्स्ट प्लीज। सर, ये सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है सर, और ये दहेज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, प्लस गुजरात का जो हमारा PCPIR है उसका ये एंकर टेनेंट है।
इसका सर टोटल एरिया है जो 5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। टोटल जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है सर वो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, और इससे हमारे यहाँ अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें पॉलीमर्स 14 लाख टन हर साल बनेगा, और जो केमिकल्स बनेंगे वो 5 लाख टन बनेंगे। जो एवरेज टर्नओवर होगा सर, जो हमारा प्रोजेक्शन है वो है 16,000 करोड़ रुपए का। सर यहाँ का जो पॉलीमर वेयरहाउस है दैट इज़ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, प्लस इसके लोकेशनल एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और यहाँ का स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। कुछ जो हमारे लाइसेंसर्स हैं वो पहली बार इंडिया में उन्होंने प्लांट लगाया है। सर ये प्रोसेस अगर हम मैं बताने की कोशिश करूं तो रिच एलएनजी में से C2C3 एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हमारे 12 फीट क्रैकर में आता है सर। इसी तरह से ONGC का कैप्टिव फीड है सर नाफ्ता, वो उरान और हजीरा प्लांट से हमारे यहाँ आता है। इसके बाद क्रैकर में इसका प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ब्यूटेडीन, बेंजीन, पाइगेस वगैरह यहाँ के प्रोडक्ट है सर। नेक्स्ट प्लीज। सर एनुअल प्रोडक्शन जो है यहाँ का 19 लाख टन के आसपास होगा, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो HDPE और LLDPE का होगा 1060, और उसके अलावा PP 340, और बाकी सर 5 लाख टन जो है वो केमिकल्स होंगे जिसमें मेनली बेंजीन और पाइगेस होगा सर। सर ओपाल का जो प्रोजेक्शन है जब ये फुल कैपेसिटी पे काम करेगा 2018 सन में, तो जो हमारे कंट्री का जो पॉलीमर मार्केट है उसका 13%, इसका मतलब 1/7 ऑफ द पॉलीमर्स विल बी प्रोड्यूस इन दिस प्लांट सर। सर पॉलीमर्स का एक मदर इंडस्ट्री जैसा रहता है सर, जो इंडस्ट्री के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे हम गृह निर्माण की बात करें, चाहे हम ढांचागत व्यवस्था की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, सिंचाई की बात करें, इन सब में इसका उपयोग होता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स, कंज्यूमर गुड्स, पैकेजिंग, जियो टेक्सटाइल्स, इन सब में हमारा PP है, PE है, ये सब उसमें जाता है सर। सर जो केमिकल्स हमारे यहाँ बनेंगे, जो पाइगेस होता है सर उसको पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है गैसोलीन में, बेंजीन एक इंटरमीडिएट केमिकल है जिससे अल्टीमेटली फिनॉल और दूसरे केमिकल्स बनते हैं सर, और ब्यूटेडीन जो हमारे आजकल कंज्यूमर गुड्स आते हैं सर उसमें बहुत सारा ABS जो यूज़ होता है वो ब्यूटेडीन से बनता है, और CBFS मेनली सर टायर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट सर जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मटेरियल हैं, चाहे वो धातु हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पेपर हो, ये जो पॉलीमर्स है उसको रिप्लेसमेंट करने का काम करते हैं। और पॉलीमर के प्रोडक्शन की अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा पॉलीमर प्रोडक्शन में होता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मटेरियल। और सर जो हाइड्रोकार्बन की वैल्यू चेन है उसको अगर हमको रियलाइज करना है मैक्सिमम, तो पेट्रोकेमिकल इज वन वे बाय विच वी कैन रियलाइज द हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन। इसके अलावा सर इम्पोर्ट पे बर्डन कम होगा, और जो हमारा भारत का पॉलीमर मार्केट है सर उसको इस ओपाल प्लांट के आने के बाद हमारी जो आत्मनिर्भरता है पॉलीमर में उसकी तरफ हम एक बहुत ही बड़ा सार्थक कदम उठाएंगे। और इसके साथ जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटीज़ की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, स्वच्छ भारत की बात हो, उन सब में ये हमारे जो पॉलीमर्स हैं सर वो अपना योगदान देंगे। नेक्स्ट सर ये कुछ फोटोग्राफ हैं सर, ये 12 फीट क्रैकर यूनिट है, दिस इज कॉल्ड द मदर यूनिट। यहाँ ये सबसे बड़ा यूनिट है सर, और यहाँ पे गैस का और नाफ्ता का दोनों का क्रैकिंग यहीं पे होता है सर। ये पॉलीप्रोपिलीन यूनिट है जिसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, ये प्रोपिलीन जब आता है उसको हम पॉलीमराइजेशन जब करते हैं तब पॉलीप्रोपिलीन बनता है सर। ये LLDPE और HDPE स्विंग यूनिट है, इसमें हम लोग थोड़ा वेरिएशन ला सकते हैं मार्केट को देखते हुए, या तो HDPE मैक्सिमाइज कर सकते हैं या LLDPE मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये सर HDPE यूनिट का फोटोग्राफ है सर। सर ये ब्यूटीन 1 है, इसका उपयोग LLDPE में एस को मोनोमर किया जाता है, इसका भी हमारे यहाँ कैप्टिव यूज होगा। कैप्टिव पावर प्लांट सर हमारे यहाँ है गैस बेस्ड, ये 195 मेगावाट पावर का उत्पादन करेगा जो यहाँ पे इन हाउस हम लोग यूज करेंगे। सर फ्लेयर सिस्टम हमारे यहाँ है, ऑफसाइट और टैंकेजेस की व्यवस्था है सर, ताकि कभी भी जो हमारी चेन है उसमें कभी भी कुछ रुकावट आती है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकें और यहाँ हम उस सामान को रख सकें। कूलिंग टावर्स, सेंट्रल लेबोरेटरी है सर, ये हमारे यहाँ बहुत ही अद्यतन लेबोरेटरी है जहाँ हर तरह के टेस्ट वगैरह की सुविधा अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट वेयरहाउस है सर जो मैंने बताया, इसमें हम लोग सर 80,000 मेट्रिक टन सामान रख सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबा है और 135 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट
सर ओपाल की जो हमारी टैगलाइन है वो है ओपाल रीडिफाइनिंग द फ्यूचर। सर मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग ओपाल परिवार पॉलीमर क्षेत्र में और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आपके नेतृत्व और सफल मार्गदर्शन के तहत एक नया और बहुत ही उन्नति और विकासशील भविष्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ जस्ट नेक्स्ट सर, ये लाइव प्रोसेस आ रहा है सर, यहाँ पे जो हम लोग फीड ले रहे हैं C2 C3, ये सर पूरा डेटा यहाँ पे हम लाइव देखते हैं। ये 70 किलोमीटर की ऑप्टिक फाइबर लाइन लगी हुई है। और सर यहाँ का जो क्रेकर यूनिट है उसकी विशेषता ये है कि ये -180 डिग्री तक और +1100 डिग्री मतलब 1300 डिग्री तक का इसमें वेरिएशन है सर। और ये क्या प्रोसेस हो रहा है, हर टन प्रति आवर क्या फीड जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, उससे प्रोडक्ट्स क्या निकल रहा है, एवरी आवर दैट डेटा एवरी ऑन रियल टाइम बेसिस इट इज अवेलेबल एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम हियर सर। ये कंट्रोल रूम है सर। सर ऐसे करेंगे सर, प्लीज ऑल प्लीज कम ओवर फॉर अ फोटोग्राफ विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, प्लीज एक वहां खड़े हो जाए, वहां पे दोबारा ले लेंगे, एक यहां ले लेते हैं सर। सर आधे उधर रहे, एक बार उधर ले लेंगे, 3 कर दो ताकि अच्छा क्विकली प्लीज। सदस्यों के लिए, कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है। दूरदर्शन की